अब आपको थर्ड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, पहली जो चीज़ हम करते हैं सिमिलर चीज़ों को एक साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो एक्स वाला ये इधर पे जाएगा और ये सेवन है वो इधर पे जाएगा, ठीक है। तो ये है नेगेटिव का इधर पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये पॉजिटिव का इधर पे जाके नेगेटिव का हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं, तो क्या होगा, एक्स माइनस एट एक्स अपॉन थ्री प्लस फाइव एक्स अपॉन टू इक्वल्स सेवन अपॉन सिक्स नेगेटिव सेवन, ठीक है। अब हम इसका क्या है एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम सिक्स आएगा, तो इधर पे हो जाएगा सिक्स एक्स सिक्सटीन एक्स फिफ्टीन एक्स, ये हो जाएगा अपॉन में सिक्स। इसका भी हम एलसीएम लेंगे तो सेवनटीन, तो सेवनटीन ही रहेगा, और इधर पे हो जाएगा फोर्टी टू अपॉन सिक्स। अब सॉल्व कर लेंगे हम, और तो पहले जो भी चीज़ प्लस हो रही होंगी हम उसको प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21x माइनस 16x अपॉन 6 हो जाएगा, और इधर पे ये क्या होगा जब हम माइनस करेंगे इसको 25 अपॉन 6 आ जाएगा, इधर पे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5x अपॉन 6 माइनस 25 अपॉन 6। इधर पे 6 है जो वो डिवाइड में है, इधर पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन 5 6 लिखेंगे, इंटू 6 करेंगे तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 5x बचेगा, तो माइनस 25 है इधर पे और ये है x, 5 में इधर पे जाके डिवाइड में हो जाएगा तो अपॉन में 5 आ जाएगा, तो 5 5 जा 25, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 5। अब जहाँ पे भी x है उधर पे हम माइनस 5 उसकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो माइनस 5 प्लस 7 माइनस 8 इंटू माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स 7 अपॉन 6 माइनस 5 इंटू माइनस 5 अपॉन 2। अब इस चीज़ को तो हम इधर ही पे माइनस कर सकते हैं ना, 7 माइनस 2 कर सकते हैं, 7 माइनस 5 कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2। अब 8 इंटू 5 8 ज़ा 40, तो ये हो जाएगा प्लस का 40 अपॉन 3, 5 5 ज़ा 25, तो हो जाएगा प्लस का 25 अपॉन 6 और 17 अपॉन 25। अब इधर पे हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 40 अपॉन 3 हो जाएगा, इधर पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इधर पे 6 आ जाएगा, तो 17 प्लस 75 अपॉन 6 आ जाएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 92 अपॉन 6। अब आप देख सकते हैं ये आराम से कट जाएगा 2 की टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, और ये है 46 अपॉन 3। तो मतलब हमारा क्या है, 46 अपॉन 3 इक्वल्स टू 46 अपॉन 3, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस हो गया हमारा, मतलब जो हमने वैल्यू फाइंड की थी वो एकदम सही थी। अब मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन में मिलती हूँ।